गाइस, अगर आप भी चाहते हो ऐसा गेमिंग ओवरले बनाना जैसा कि आपके नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, रोस्ट गेमिंग 2.0 फैरो काफी ज्यादा अमेजिंग तरीके से यहाँ पे गन निकाल रहा है और लिटरली भाई यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से मेरा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैंडल दोनों पॉपअप होकर आ रहा है। तो अगर आप भी चाहते हो सेम टू सेम ऐसा लोगो बनाना, ऐसा एनिमेशन बनाना और इससे भी कमाल कमाल का एनिमेशन बनाना, तो आज की वीडियो एंड तक देख लेना, मैं आपको बता दूंगा आपको ये कैसे बनाना है। और भाई लिटरली अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड सीधा बढ़ते हो वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको सबसे पहले पिक्सेल एप्लीकेशन में चले आना है और थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज को सिलेक्ट करना है और इमेज साइज में यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक करना है और यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 1280 को कट करना है और 1920 रखना है, ठीक है, 1920 रख लेना है और यहाँ पे 720 को कट करके 1080 रखना है, ठीक है, जैसा मैंने रखा है एग्जैक्ट वैसा रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लेना है और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो बैकग्राउंड होगा एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और भाई बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद आपको बहुत ही इजीली यहाँ पे आना है थर्ड ऑप्शन पे और वहाँ पे इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। और भाई जो जो फाइल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक साथ जिप फाइल में आप उसको डाउनलोड कर लेना। और गाइस इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसको छोड़ देना। अब यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन वहीं पे देखने को मिलेगा, आपको थर्ड नंबर पे उस पर क्लिक करना है और सेव को पूरा इधर से लेकर के उधर तक लंबा चौड़ा कर लेना है, जैसा मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट आपको सेव को ऐसा कर लेना है। और इसको नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, कलर में आपको इसका ब्लैक कलर कर लेना है, ठीक है। और ब्लैक करने के बाद आपको जितना बड़ा ओवरले बनाना है उतना ही साइज का आपको यहाँ पे रखना है। देखो मुझे ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता ओवरले, तो मैं छोटा ओवरले बनाऊंगा, वो ज्यादा अच्छा दिखता भी है और अट्रैक्टिव भी लगता है। तो भाई मैं यहाँ पे छोटा ब्लैक कलर ले चुका हूँ। अब भाई इस वाला जो फोटो है उसको जूम इन करके उसके आगे लगाना है। अब देखो आपको सेंटर पे लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, लेयर वाले पे क्लिक करना है और इसको ऊपर कर लेना है ब्लैक वाले के। अब आपको यहाँ पे ब्लैक से ये ऊपर जा चुका है। अब भाई थोड़ा इसको आपको स्ट्रेच करना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेच कर लेना, अच्छे से एडजस्ट कर लेना, एकदम बढ़िया से सब कुछ करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद भाई आपको नीचे जाना है यहाँ पे ऑप्शन में और ऑप्टिपसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्टिपसी को 33% या फिर 31% के आसपास रहने देना है, ठीक है। और भाई इसको करने के बाद अगेन से आपको यहाँ पे क्लिक करना है कहीं भी, फिर आपका थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है ना उस पर इम्पोर्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको लेयर पे क्लिक करके इन दोनों को लॉक कर लेना है, याद से लॉक कर लेना, ठीक है, ये जरूरी है। अब भाई आपको इम्पोर्ट पर फिर से क्लिक करना है और इम्पोर्ट पर फिर से जब आप क्लिक करोगे फिर से आपको एक फाइल सेलेक्ट करनी है, ये वाला फाइल पार्टिकल फाइल है। अब देखो पार्टिकल फाइल भी आपको सारी फाइल्स दिखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार देख लेना, मैं जो जो यूज करूंगा सब दे दूंगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे पार्टिकल फाइल को भी आपको एकदम स्ट्रेच करके एक्जैक्ट इसके ऊपर लगा लेना है, एकदम एक इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद भाई ऑप्टिपसी में जाना और इसका भी ऑप्टिपसी आपको 30 के आसपास रख लेना है, ठीक है, आपके मर्जी पे आप देख लो कैसा आपको अच्छा लग रहा है। मुझे 37 पे अच्छा लग रहा था, मैंने 37 पे रख लिया है। अब भाई यहाँ पे एक और चीज को इंपोर्ट करना है, लेकिन उससे पहले इसको भी लॉक कर लेना, फिर से इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे सिंपली जाना है अगेन से फोल्डर में और भाई यहाँ पे स्मोक का फोल्डर मिल जाएगा, इसको ओके कर लेना, ठीक है। अब स्मोक यहाँ पे आ चुका है, अब इसको भी भाई ड्रैग कर लेना और स्मोक में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सेटिंग है, तो पहले एक बार ध्यान से इसको एडजस्ट कर लेते हैं फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे स्मोक लग चुका है, अब भाई तुमको फिर से ऑप्टिपसी वाले ऑप्शन पे जाना है, लेकिन एक बार मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ, हो गया, ठीक है। अब भाई ऑप्टिपसी पे क्लिक करना और यहाँ पे नीचे अफेक्ट साइड जो है ना, अफेक्ट साइड उसको इनेबल कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे स्मोक वाले ऑप्शन को अफेक्ट शैडो इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनेबल करना, क्योंकि भाई ये स्मोक है तो उसका शैडो भी आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टिपसी जो है ना भाई, ऑप्टिपसी को तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, तुमको कैसा चाहिए वैसे ही रखना, ज्यादा कुछ चेंजेस मत करना, ठीक है। और भाई तुम्हारे ऊपर है टोटल चॉइस कि तुमको कैसा रखना है। अब भाई तुमको ऊपर से टेक्स्ट क्लियर करके टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे। अब कैसे ऐड करते हैं, बहुत सिंपल है भाई, अगर तुमको नहीं आता है तो भाई देख लो कैसे ऐड करते हैं। ऊपर टी वाले लेयर पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है, प्लस वाले पर टेक्स्ट पे क्लिक करना, टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अपना चैनल का नाम लिख देना। अब भाई आता है यहाँ पे फॉन्ट लगाने का बारी, ठीक है। अब फॉन्ट के लिए देखो मैं यहाँ पे अमेरिकन बोल्ड फॉन्ट चूज कर रहा हूँ, लेकिन तुम कोई सा भी फॉन्ट चूज कर सकते हो, जो भी तुम्हारा फेवरेट फॉन्ट हो। मैं यहाँ पे सिंपली पहले जाता हूँ टीटी साइज के अंदर, टीटी साइज के अंदर जाने के बाद मैं पहले फॉन्ट का साइज जो है ना उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट का साइज एडजस्ट करना। देखो ज्यादा बड़ा टेक्स्ट भी हमको नहीं चाहिए, हमको ज्यादा छोटा टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, तो साइज को हम लोग लगभग थोड़ा बहुत मिनिमल रखेंगे, ठीक है, 85 के आसपास मुझे ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट करने की बारी है, तो भाई यहाँ पे कोई सा भी हम लोग फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आ जाते हैं। अगर तुमको अगर मेरा वाला यूज करना है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मैं इस वीडियो के अंदर यूज करूंगा, अदरवाइज भी बहुत सारे फॉन्ट है, तुम किसी को भी ट्राई कर लेना, सारे फॉन्ट तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। जैसे ये डेडलिस्ट कॉपी जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये काफी सारे यूट्यूबर यूज करते हैं, तो मैंने तुमको ये दिखा दिया, बट मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सीधा भाई अमेरिकन बोल्ड फॉन्ट यूज करूंगा। अब उसको कैसे इंसर्ट करते हैं ये बता दो, तो भाई माई फॉन्ट पे जाना, वहां पे प्लस फोल्डर वाले पे क्लिक करना और उसका तुम फाइल मैनेजर में आ जाओगे, ठीक है। अब तुमको क्लिक करना है, फोन में जाना है,
और जहाँ पे वो फोल्डर एक्सट्रैक्ट किए होंगे सीधे हम फोल्डर के अंदर जाना और यहाँ पे एक फोन का फोल्डर में देखने को मिल जाएगा जिप फाइल में, ठीक है। अब ये जिप को तुमको एक्सट्रैक्ट करना है, अगर तुम्हारे फोन के ब्राउजर में एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन आता है तो ठीक, वरना भाई तुम जेड आर्काइवर नाम का एपीके डाउनलोड करना और भाई इस फोल्डर में जाना जहाँ पे मैंने तुमको सारे फाइल्स दे रखे हैं और वहाँ पे इस फोन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तुम्हारा सारा फोन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। अब भाई सिंपली तुमको अगेन से अपने पिक्सल लैब में चले आना है और पिक्सल लैब में अगेन से आने के बाद वहाँ पे तुमको दो फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, तुमको दोनों ही फोल्डर एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे TTF सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद बैक चलाता हूँ। अब अगेन से भाई यहाँ पे मेरा TTF सेलेक्ट हो चुका है, अब मुझे फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे मुझे OTF सेलेक्ट करना है। देख सकते हो मेरा नीचे अमेरिकन कैप्टन आ चुका है, हालांकि मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लगा सकता हूँ लेकिन एक बार और तुमको ऐड कर लेना है जिससे तुम्हारा एकदम प्रॉपर OTF और TTF दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे सेकंड वाला जो फोल्डर था OTF का उस पर भी क्लिक करता हूँ मैं, आराम से इसको भी लगा दिया मैंने। अब भाई यहाँ पे नीचे जाऊंगा, मुझे अमेरिकन गोल्ड फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, मुझे सबसे नीचे मिल रहा है क्योंकि ये सारे फॉन्ट भी मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तुमको सबसे ऊपर ही देखने को ये मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे लगा चुका ये वाला फॉन्ट को, अब भाई देख सकते हो कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है रोस्ट गेमिंग 2.0। और अब भाई आता है मेन थिंग, अब तुमको यहाँ पे जब फॉन्ट हो जाए सब कुछ हो जाए तो तुमको टेक्स्ट साइज एकदम अच्छे से एडजस्ट करना है, जैसा मैंने किया है वैसे ही तुमको भी अपना चैनल के नाम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। और फिर नीचे जाना और नीचे जाके भाई स्ट्रोक के नीचे शैडो का ऑप्शन मिलेगा, शैडो को इनेबल करना है भाई। उसके बाद जब तुम यहाँ पे इनेबल कर लोगे उसके बाद सिंपली तुमको यहाँ पे जाना है स्पेसिंग पे, ठीक है। स्पेसिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक या दो की स्पेसिंग देनी है, ज्यादा स्पेसिंग नहीं देना है, ठीक है। और स्पेसिंग मैंने यहाँ पे एक की मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने एक की दे दी है। और उसके बाद भाई सिंपली जब तुमको कलर पे जाना है, ठीक है, क्योंकि अब तुमको ये वाला जो पीला बैकग्राउंड है ना उससे अपने टेक्स्ट को मैच करना है, तो इसलिए कलर पे क्लिक करना और कलर पे यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेना। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद तुमको सिंपली अब यहाँ पे एड वाला आइकन देखने को मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना और भाई यहाँ पे तुमको व्हाइट एंड यहाँ पे ग्रे टाइप में देखने को मिल रहा है। अब तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसको सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब भाई ग्रेडियंट तुमको कैसा बनाना है वो तुम जानना, तुम्हारे ऊपर पूरा ये डिपेंड करता है कि तुमको ग्रेडियंट कैसा पसंद है। मुझे यहाँ पे येलो बैकग्राउंड के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे लाइट येलो ले लेता हूँ ग्रेडियंट को, ठीक है। एक साइड का कलर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लाइट येलो कर लेता हूँ और दूसरे साइड में क्लिक करके व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो कलर को मिक्स करके ग्रेडियंट बनता है, अगर तुम्हें नहीं पता भाई तो तुम बेसिक से जान सकते हो, पिक्सआर्ट का कोई भी ट्रायल में पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई मैंने दिखा दिया ये टेक्स्ट कैसे मैंने यहाँ पे हल्का पीला कर लिया, हल्का पीला काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का पीला कर लिया। तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। अब फिर से भाई मुझे शैडो पे जाना है और मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर का शैडो अच्छा नहीं लग रहा तो मैं येलो कलर का शैडो कर लूंगा। और ऑप्टिपसी को यहाँ पे कम करना है और ब्लड रेडियस को ज्यादा करना है। ऑप्टिपसी को हम लोग रख लेंगे लगभग 60 के आसपास, ठीक है, ज्यादा नहीं रखेंगे, 60 के आसपास काफी अच्छी है। ब्लड रेडियस को यहाँ पे 13 या 16 तुमको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। मैं 16 रिकमेंड करता हूँ, 16 ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब भाई इसको भी लॉक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मेन काम हो चुका है, अब तुमको और कुछ काम है जो कि यहाँ पे करने हैं और फिर हम लोग को काइन मास्टर के अंदर चलना है। भाई मैं पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अच्छे से समझ पाओ। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है तुमको इसी टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ पर तुम चाहो तो फिर से टेक्स्ट को ऊपर से ऐड करके लिख सकते हो, मैं भाई शॉर्टकट करने के लिए डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तुमको अपना इंस्टाग्राम का नाम लिखना है, अगर तुमको इंस्टाग्राम हैंडल ऐड करना है, ठीक है। तो भाई मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम का नाम है SubhamSK1304, अगर तुमको फॉलो करना है तो जाके कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मैं वहाँ पे 100% तुमको आंसर दे दूंगा, ठीक है। और यूट्यूब का नाम है रोस्ट गेमिंग 2.0, जिसमें तुम लोग वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली तुमको पता है। तो भाई यहाँ पे रोस्ट गेमिंग 2.0 या कुछ भी जो तुम्हें नाम है लाभ 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 लाला सब कुछ लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। मैं फिलहाल रोस्ट गेमिंग 2.0 ही रहने देता हूँ भाई, क्योंकि मेरा चैनल का वही लाभ है, तुम्हारे चैनल के अकॉर्डिंग तुम अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और भाई उसके बाद तुमको यहाँ पे टेक्स्ट का साइज में जाना है, ठीक है। टीटी साइज में और टीटी फॉन्ट, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। टीटी फॉन्ट में तुमको यहाँ पे ये वाला फॉन्ट भी देखने को मिल जाएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वरना तुम यहाँ पे बर्बैंक फॉन्ट कहीं भी सर्च करोगे तुमको सबसे पहले ये बर्बैंक बिग कंसीडर देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज तुम कोई सा भी फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, वो वाला चाहो तो वही वाला यूज कर लेना, मैं हालांकि सारे कुछ दे दूंगा तुमको डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। और भाई जब इसको यूज कर लोगे उसके बाद भाई इसका साइज बढ़ाया तो अब इसके टीटी साइज में जाना है और टीटी साइज में इसको छोटा करना है। सबसे पहले लाइन स्पेसिंग में जाकर मैं थोड़ा इनको दूर दूर कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे और स्पेसिंग भी थोड़ा थोड़ा इनका इंक्रीज कर देता हूँ। आई थिंक स्पेसिंग एक दो दो ठीक है या दो या तीन, ठीक है चलो ठीक है तीन पे कर लिया हमने। और भाई यहाँ पे स्पेस करने के बाद अब भाई तुमको सिंपली साइज में जाना है, ठीक है। सबसे पहले भाई हम लोग साइज में चलेंगे, भाई क्या हो रहा है यार, मेरा वॉक क्यों नहीं कर रहा है, साइज किधर गया, हाई पे देखो साइज पे आ गया मैं। और उसके बाद भाई 65 मतलब तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना भाई, मेरा यहाँ पे जितने पे एडजस्ट हो रहा है मैं उतना पे कर ले रहा हूँ, ठीक है। 55 के अप्रोक्स मुझे ठीक लग रहा है, ओके ओके, तो मैं वहीं पे रहने दे रहा हूँ। आगे चल के हालांकि इसको मैं और एडजस्ट कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट डेट, वो तुम्हें भी बता दूंगा कि कैसे अगर गड़बड़ हो गया तो तुम बाद में भी ठीक कर सकते हो। अब तुमको इसको भी शैडो दे देना है येलो कलर का, ठीक है, क्योंकि भाई शैडो येलो कलर का इस पर भी काफी अच्छा लगेगा। और ऑप्टिपसी को यहाँ पे तुमको कम कर लेना है 71 के अप्रोक्स और ब्लर रेडियस को 10 रहने देना है, ठीक है, क्योंकि इस साइड थोड़ा
डार्क है तो उस टाइम पे ज्यादा हम लोग को करने की कोई फायदा नहीं। और ग्रेडियंट कलर में जाकर के तुमको कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। मैं व्हाइट कलर नॉर्मल सा चूज कर लेता हूँ क्योंकि व्हाइट इस पर ज्यादा बेटर लगने वाला है, ठीक है। और भाई इतना चूज करने के बाद अब भाई तुम्हारा मैक्सिमम काम हो चुका है। अब भाई तुमको और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे स्ट्रोक विस्ट्रोक कुछ भी अगर तुम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन स्ट्रोक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं स्ट्रोक की सेटिंग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि स्ट्रोक से भाई बहुत ज्यादा गंदा लगता है ओवरले, तो भाई स्ट्रोक यूज करने की कोई फायदा नहीं है। और भाई साइज को मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ, यार मुझे साइज ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलो कोई ना, इसको आगे चल के हम लोग काइन मास्टर के अंदर भी ठीक कर लेंगे। फिलहाल हम लोग का ये जितना काम था गाइस, अगर तुमने इसको परफेक्टली कर लिया तो तुम्हारे यहाँ पे 90% काम हो चुका है। तुमको बस काइन मास्टर के अंदर ले जाकर इसको एडिट करना है। पहले भाई सब कुछ को तुमको लॉक कर लेना और एक बार देख लेना तुम्हारा परफेक्ट यहाँ पे बन चुका है या फिर नहीं बन चुका है। और भाई एक बार तुम्हारा परफेक्ट बन गया, अब तुमको एक और चीज इंपोर्ट करना है यहाँ पे। और ये जो थिंग है ना, ये है इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लोगो, ठीक है। अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ये येलो वाला लोगो है, तुम चाहो तो नॉर्मल इंस्टा और यूट्यूब का गूगल से डाउनलोड कर सकते हो येलो कलर का बैकग्राउंड में, तो अगर तुम चाहो तो ये वाला यूज कर सकते हो। अदरवाइज उसकी रंग भी चेंज करके तुम यूज कर सकते हो, यहाँ पे एफएक्स में जाके हेवी में चेंज कर लेना यार, वो तो बहुत इजी सेटिंग होती है, वो तो तुमको भी पता होगा अगर तुम ये थोड़ा बहुत भी एडिटिंग जानते हो, तुमको हु के बारे में पता होगा, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको कट करके और इसको फट से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ तुमको कि आगे क्या करना है। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको एडजस्ट कर लिया। और भाई यहाँ पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम को जो है ना, तुम चाहो तो यहाँ पे शैडो दे सकते हो ब्लैक वाला, जिससे ये काफी अच्छा बोल्ड दिखे, या फिर तुमको इनको येलो शैडो दे दोगे तो और ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पे शैडो भी तुम अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर है टोटली कि तुम इसको कितना ज्यादा क्रिएटिव बना पाओ। मैं यहाँ पे येलो शैडो दे देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्राइट चीज देखने में काफी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव भी लगता है, और तुमने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा है कितना ज्यादा कमाल का लग रहा था। तो भाई मैं यहाँ पे येलो शैडो दे रहा हूं। शैडो देने का टोटली वर्क तुम्हारे ऊपर है, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा तुम कर सकते हो, ठीक है। और गाइस इन दोनों को भी लॉक कर लेना। और भाई अब सबको तुमको एक साथ देख लेना है, अगर ओके हो जाए, ठीक है, मतलब अगर एकदम परफेक्ट है सब कुछ ओके है, तो भाई अब सब पे आई बटन जो यहाँ पे दिख रहा है ना आई क्रॉस वाला, सब पे आई क्रॉस लगा देना है। तुम्हारा एक साथ सब कुछ गायब होना चाहिए स्क्रीन से, ठीक है, एक साथ सब कुछ गायब हो जाए, जब तुम्हारा पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए स्क्रीन, फिर तुमको लेयर पे क्लिक करना है और पहले अपने चैनल के नेम पे क्लिक करके उसके पे से आई बटन हटा देना है। अब इस पे जा करके सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है और भाई यहाँ पे पीएनजी सेलेक्ट करना है, और क्वालिटी जो है क्वालिटी में तुमको यहाँ पे अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर लेना है, सेव टू गैलरी कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले तुमको अपने चैनल का नेम सेलेक्ट करके सेव कर लेना है, उसके बाद भाई सिंपली तुमको थोड़ा सा ऐड देखने को मिल जाएगा, यार इसको मैं फट से हटा देता हूँ, ठीक है। और भाई यहाँ पे YouTube शॉर्ट्स का ही ऐड था, क्या बोला जाए यार, अब इसको हाइड कर लेना तुमको अपने चैनल के नेम को। और भाई नीचे जो तुमने बनाया था ना एक पोस्टर टाइप, ठीक है, पोस्टर टाइप, उसमें से चारों ही पार्ट को तुमको अनहाइड कर देना है, अनहाइड और हाइड ही कहते हैं उसको। और भाई इसको भी तुमको एक साथ सेव एज इमेज कर लेना है, ठीक है। अब भाई इसको भी एक साथ सेव एज इमेज कर लेने के बाद तुमको सिंपली अब यहाँ पे YouTube और Instagram इन दोनों को पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ यार, वरना तुमको समझ नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले भाई मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम इसी तरह करके PNG और अल्ट्रा में इसको भी सेव कर चुके हो, चैनल का नेम भी सेव कर चुके हो, और भाई अब इनको भी हाइड कर लेना, ठीक है। और अब लास्ट में बचेंगे भाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यहाँ पे नेम्स, ठीक है, ये तीन पार्ट बचेंगे, इन पे अनचेक करना है, नीचे टिक अनटिक पे क्लिक करना है और इन तीनों या चार इन तीनों बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, तीनों बॉक्स पे क्लिक करके थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। ये तीनों ही एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। अब मर्जर होने के बाद इनको भी ऊपर सेव वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एज इमेज कर लेना है, और यहाँ पे नीचे कस्टम वाला जो है उस पर अल्ट्रा पे करके, और यहाँ पे सेव टू गैलरी कर लेना है, बस तुमको इतना काम कर लेना है। और भाई यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे यहाँ पे सेव हो चुका है, तुम्हारा पीछे का बैकग्राउंड, तुम्हारे चैनल का नेम और तुम्हारा ये यूट्यूब इंस्टाग्राम सबका नेम सेव हो चुका है। अब तुमको यहाँ पे इस वाले एप्लीकेशन के अंदर कोई भी काम नहीं है, अब तुमको जो भी काम है वो सीधा काइन मास्टर के अंदर है। तो चलो मैं फट से तुमको काइन मास्टर के अंदर ले चलता हूँ, और काइन मास्टर के अंदर से भाई सब कुछ तुम ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे तुम 99% वर्क कर चुके हो। अब बस तुमको लेयर्स ऐड करने और उसको एडिट करना है, ताकि तुम भाई यहाँ पे अपना बहुत अच्छा 3D एनिमेटेड ओवरले बना पाओ। तो सीधा हम लोग चल लेते हैं काइन मास्टर के अंदर। हम लोग आ चुके हैं काइन मास्टर के अंदर, यहाँ पे 16:9 का रेशियो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और भाई अब 16:9 में रेशियो सेलेक्ट करने के बाद तुमको यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करना है। ग्रीन स्क्रीन का भी PNG मैं तुमको दे दूंगा, तो तुम उसको सिलेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इस ग्रीन स्क्रीन को तुमको लगभग 8 सेकंड तक रखना है, ठीक है, नो डेट, लगभग 8 सेकंड। ज्यादा बड़ा रखोगे तो भाई देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बार बार अगर स्क्रीन पे कुछ चेंजेस होते हैं ना तो वो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो भाई तुमको यहाँ पे 8 सेकंड के अप्रॉक्स रख लेना है। और उसके बाद भाई तुमको सबसे पहले यहाँ पे क्वालिटी जो है ना, रेजोल्यूशन, वो तुम 1440p भी कर सकते हो, 1080p भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ 1080p 60fps में तुम काइन मास्टर से एक्सपोर्ट कर लेना। और काइन मास्टर तुमको फ्री में कैसे मिलेगा, तुम गूगल पे सर्च कर लेना, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता आने नहीं वाला हूं, वरना वीडियो को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आराम से काइन मास्टर में मैंने ये कर लिया ग्रीन स्क्रीन,
और अब सिंपली जो जो तुमने पिक्सल लैब से सेव किया है अलग अलग से उन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये वाला पोस्टर सिलेक्ट किया था, तो इसको सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। दूसरा तरीका है, तुम्हें यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन आ रहा है राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको एक साथ में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब डायरेक्ट वो सेंटर अलाइन हो जाएगा स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे देख सकते हो मैं डायरेक्ट सेंटर अलाइन हो गया, तो भाई ऐसे भी करके तुम कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी 8 सेकंड तक तुमको चौड़ा कर लेना है, और भाई जैसे जैसे करो ना एक्जैक्ट वैसे ही करना। अब सबसे मेन स्टेप है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लो। अब तुमको FX इफेक्ट में जाना और शॉप में चले जाना, ठीक है, एसेट स्टोर में। एसेट स्टोर में चले जाओगे, जब तुम FX इफेक्ट में जाओगे, रुको मैं फिर से तुमको बता देता हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तुम एक बार इफेक्ट में जाना, इफेक्ट में जाने के बाद स्टोर में जाना, और यहाँ पे डिस्टोरेशन पे क्लिक करके मिराज का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और भाई यहाँ पे मिराज वाला ऑप्शन जब डाउनलोड हो जाए, तुमको ये पार्ट नहीं समझ में, एक बार पीछे करके देख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मिराज वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर मिराज पे सिलेक्ट करना है, और बहुत इजी तुम्हारा मिराज लग जाएगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, इफेक्ट पे क्लिक करना है, मिराज पे क्लिक करना है, और मिराज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मिराज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब भाई मिराज को सबसे पहले तुमको जूम इन करके और इसके ऊपर एडजस्ट करना है, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर गलती से भी एडजस्ट मत कर देना, तुमको बस अपने पोस्टर के ऊपर एडजस्ट करना है, एकदम एग्जैक्ट लाइन अलाइनमेंट करना है तुमको, ठीक है। एकदम लाइन बाय लाइन पोस्टर के ऊपर एकदम ऊपर से नीचे तक होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद भाई इसको भी 8 सेकंड तक तुमको चौड़ा कर देना, और भाई उसके बाद सिंपली मिराज जब तुम्हारा लग जाए, अब तुमको यहाँ पे मिराज में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तुमको सब कुछ देख लेना है, ओके परफेक्ट। अब तुमको सेटिंग के अंदर चले जाना है मिराज के, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरा एकदम 100% डिटो अच्छा लग चुका है। अब सेटिंग के अंदर जाने के बाद तुमको यहाँ पे मूड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर तुम यहाँ पे मूड के साथ छेड़खानी करोगे ना भाई, तुम्हारा यहाँ पे पिक्चर बिगड़ जाएगा। जैसे तुम देख सकते हो धुंधला धुंधला टाइप हो चुका है, अजीब सा हो चुका है, तो भाई वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मूड को 0 रखना है। स्पीड सबसे मेन होता है, ठीक है। स्पीड को यहाँ पे तुमको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। मैं यहाँ स्पीड को 45 से 50 के बीच में रखूंगा। मैं स्पीड को ज्यादा इंक्रीज इसलिए नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरा स्पीड यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा यहाँ पे जो येलो है उस पर ज्यादा स्पीड देखने में अच्छा लगेगा भी नहीं, भुक 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 लगेगा, तो भाई अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे 45 के अप्रोक्स रख देता हूँ, 43 रख देता हूँ। स्ट्रेंथ को यहाँ पे मुझे सिंपली 11 या 12 तुम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और उसके बाद भाई यहाँ पे डायरेक्शन एक्स वाई को 1 रख लेना है। अब भाई देखो ये इफेक्ट आ चुका है, तुम्हारा पार्टिकल धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगा है, तुम सब अपने सामने देख सकते हो, ठीक है। और सारे पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे, ये एनिमेशन में आना स्टार्ट हो चुका है। अब भाई सिंपली तुमको लेयर ऐड करना है, ठीक है। और कैची का लेयर ऐड करना है, तो अब तुमको भाई यहाँ पे अपना चैनल के नेम का लेयर ऐड करना है, ठीक है। और चैनल के नेम के साथ साथ इंस्टाग्राम के नेम का भी लेयर ऐड करना है साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले पिक्सल लैब पे क्लिक कर लेते हैं, और हम अपना चैनल का नेम का जो लेयर है और इंस्टाग्राम का मतलब इंस्टा और चैनल का जो आउटपुट है उस पर क्लिक करते हैं, उसको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। भाई अलाइन करने के बाद इन एनिमेशन पे तुमको जाना है, और यहाँ पे कोई सा भी एनिमेशन तुम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक अच्छा सा एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं स्लाइड लेफ्ट या स्लाइड राइट में से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तुम्हारे ऊपर यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन होते हैं, पॉप का, फेड का, ब्लिंक का, स्लाइड का, वेक का, तुम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारा ये एनिमेशन लग जाएगा। अब तुमको यहाँ पे अपने जो ये लेयर ऐड किया हो तुम फोटो वाला, ये जो अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल का, इसको 0.5 सेकंड से कट कर देना है, यानी कि 0.5 सेकंड आगे का जो पार्ट है उसको हटा देना है और पीछे का पार्ट रहने देना है। और भाई इतना कर लेने के बाद तुमको ये जो लेयर है ये काफी एक बेटर तरीके से देखने को मिल जाएगा। और मुझे भाई इसके साइज में थोड़ी सी अजीबनेस लग रही है, थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है ना तुमको भी देखने में बड़ा बड़ा, तो भाई सबसे पहले तो इसका साइज को मैं ठीक कर लूंगा, क्योंकि भाई साइज जब तक मुझे परफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तब तक क्या फायदा भाई। तुमको हर एक चीज पे ध्यान देना है भाई, तुमको अपने ओवरले को जितना ज्यादा अच्छा हो सके उतना ज्यादा अच्छा बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एनिमेशन लगा दिया हूँ, अब तुम देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशन जैसे मेरा स्लाइड राइट का लगाया, स्लाइड लेफ्ट का आई थिंक किसको कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं उसको, लेफ्ट या राइट वो लगा दिया मैंने। और यहाँ पे मैं इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मेरा काफी अच्छा साइज हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। स्प्लिट स्क्रीन पे अगर जाओगे तो उसमें साइज तुम छोटा बड़ा नहीं कर सकते, उसको ऑफ करके तुम साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और अब देख सकते हो एनिमेशन कितना ज्यादा कमाल का लगा है। तुम जैसे ही यहाँ पे आओगे तुमको कुछ नहीं दिखेगा, अचानक से तुम्हारा टेक्स्ट पॉप अप होकर स्लाइड राइट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये काफी ज्यादा कमाल का एनिमेशन, इसको लास्ट तक तुमको ले जाना है, ठीक है। और लास्ट तक ले जाने के बाद अब यही टाइम फ्रेम पे आना, और यहाँ पे तुमको अपने चैनल का जो नेम अलग से तुमने अमेरिकन बोल्ड टेक्स्ट में रखा था उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अमेरिकन बोल्ड टेक्स्ट में यहाँ पे जो नेम रखा था मैंने रोस्ट गेमिंग 2.0 उसको ऐड कर लेता हूँ। और भाई यहाँ पे सिंपली हमको इसको भी स्प्लिट स्क्रीन करके और एग्जैक्ट अलाइन कर लेना है उस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे एनिमेशन तुमको कोई और टाइप देना है, ठीक है। स्लाइड अप डाउन दे दो, वेक दे दो, क्लॉकवाइज दे दो, जो देना है दे दो, ठीक है। लेकिन सेम टू सेम एनिमेशन मत रखना, ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैं तो बोलूंगा भाई एक को स्लाइड राइट दो, दूसरे को स्लाइड लेफ्ट दो, ये देखने में काफी अच्छा लगता है, ठीक है। और तुमको यहाँ पे एनिमेशन का टाइमिंग जो है ना वो 1 सेकंड से 0.5 सेकंड के बीच में रखनी है दोनों ही क्लिप के, ठीक है। क्योंकि ये भाई धीरे धीरे आते हैं ना, तो वो देखने में और ज्यादा कमाल के लगते हैं और लूप टाइप फील होता है, तो भाई वो लूप काफी मस्त लगता है देखने में लाइव स्ट्रीम पे। तो भाई तुम इसके अकॉर्डिंग अपना सारा ही एनिमेशन यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत
करनी है, हर एक फोटो में तुम्हें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन डिजाइन करना, देख सकते हो काफी कमाल का लग रहा है। लेकिन भाई नीचे से आ रहा है, ऊपर आ रहा है, किधर जा रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, देख रहे हो, मतलब एनिमेशन तो हो चुका है लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। तो भाई मैं यहाँ पे स्लाइड लेफ्ट और स्लाइड राइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है। तो भाई इसको स्लाइड राइट कर लिया मैंने और दूसरे वाले को स्लाइड लेफ्ट कर लेता हूँ मैं। पहले इसको पूरा जूम इन कर लेता हूँ लास्ट तक, ठीक है। और गाइज अब यहाँ पे सिंपली हमारा काम हो चुका है, हमने दोनों ही टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन काफी अच्छे से ऐड कर दिया। और अब यहाँ पे लेयर में जाना है हमको, मीडिया पे क्लिक करना है, और भाई यहाँ पे सारे मीडिया ऐड हो जाने के बाद एट द एंड तुमको यहाँ पे एक PLP देखने को मिल जाएगा, फैरो का PNG देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस फैरो का जो वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो, उस पर क्लिक करना है। और भाई यहाँ पे क्रोमा की पे नीचे तुमको एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर चले जाना है और क्रोमा की पे भाई यहाँ पे 60:40 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर वाले को तुमको 40 रखना है, नीचे वाले को 60 रखना है, ठीक है। ज्यादा कुछ भी तुमको छेड़खानी अपने से नहीं करना है। हालांकि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे कम ज्यादा करके देख सकते हो, तुम्हारा बस फैरो के ऊपर बॉर्डर नहीं आना चाहिए ग्रीन कलर का, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो हमारा फैरो आ चुका है, तुम्हारे ऊपर है। तुम फैरो को पूरा रखना चाहते हो पूरा रखो, आधा रखना चाहते हो आधा रखो, बड़ा रखना चाहते हो बड़ा रखो, छोटा रखना चाहते हो छोटा रखो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे फैरो को भी काफी जैसे एडजस्ट करने के बाद उसको भी एनिमेशन तुम अपने अकॉर्डिंग दे देना। और भाई इसको भी एनिमेशन देने के बाद तुम्हारे यहाँ पे जो पूरा एनिमेटेड ओवरले होगा ना, वो एक बार बन के एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो गाइस इतना सारे थिंग बताने के बाद आई थिंक तुम्हारा आप लोगों खुद ही डिजाइन हो चुका होगा। देख सकते हो मैंने फैरो को काफी अच्छे से अलाइन कर दिया गाइस, और यहाँ पे फैरो को भी बहुत अच्छे से एनिमेशन में दे देता हूँ, ठीक है। क्रोमा की को भाई मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाले को 40 और नीचे वाले को 60 करना। मैं यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट रेशियो पे करके चेक कर चुका हूँ, वो एस्पेक्ट रेशियो एकदम परफेक्ट है। तो भाई उतना पे रख लेना, तुमको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। और अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तुम्हें तो तुम डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, तुम्हारे सारे ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं 2 मिनट के अंदर चुटकी बजा कर ला दूंगा। तो डोंट वरी अबाउट डेट, तुम्हारा रोज भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। और भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशन काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है फैरो का भी। और भाई यहाँ पे टोटल हमारा सब कुछ फाइनल हो चुका है, उसके बाद भाई सीधा तुमको एक्सपोर्ट करना और तुम्हारे यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं तुमको एक बार ये एनिमेशन जो बनाया मैंने उसको प्ले करके दिखा देता हूँ, हालांकि तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा, बट एक बार और तुमको दिखा देता हूँ। बूम गाइस यहाँ पे फैरो हमारा आ चुका है, और यहाँ पे चैनल भाई हमारा डायरेक्ट पॉप होना स्टार्ट हो चुका है। और भाई यहाँ पे हमारा चैनल काफी अच्छे से लूप क्रिएट कर रहा है, और भाई बार बार पॉप होके आ रहा है। और भाई लिटरली यही था आज के वीडियो के अंदर। अगर तुमको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फट से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, सेव नाड़ा।